हेलो एवरीवन, नमस्कार। आई एम डॉक्टर उपेंद्र, डीपीएस बीएचएमएस फ्रॉम ग्वालियर मध्य प्रदेश। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कोरोना ठीक होने के बाद भी पेशेंट को बुखार सा लगता है, बुखार उसको लग रहता है और उसको ऐसा फील होता है कि दोपहर में बुखार आ गया, ठीक हो गया, शाम को फिर से आ गया, या शाम को बुखार आया, पूरे दिन में कभी बुखार नहीं आया, या मॉर्निंग में बुखार आया। तो क्या ये प्रॉब्लम है और इसे कैसे हम ठीक कर सकते हैं, कौन सी मेडिसिन इसके लिए सबसे बेस्ट रहेगी, और अगर चाहें तो घर पर इसे हम बिना मेडिसिन के कैसे ठीक कर सकते हैं, सबसे आसान तरीका इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। यदि आप इस तरह ही हेल्थ के बारे में जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें ये चैनल और बेल आइकन दबाएं, ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो सबसे पहले समझिए कि कोरोना ठीक होने के बाद में फीवर आता क्यों है, और ये क्यों आया, और ये कब तक जाएगा, या फिर इसमें कोई मेडिसिन लेने की ज़रूरत है या कोई मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, कोविड अगर आपका 3 महीने तक ठीक हो जाता है, अगर कोविड जैसे आज किसी पेशेंट को इन्फेक्शन हुआ और वो 3 महीने के अंदर अंदर पेशेंट पूरी तरीके से रिकवर हो जाता है, ठीक हो जाता है, तो इसे हम कहते हैं पोस्ट कोविड। अगर पेशेंट को 3 महीने तक रिलीफ नहीं मिलता है, जैसे 14 दिन बाद भी उसकी रिपोर्ट जो है निगेटिव है, लेकिन हो सकता है कि उसको हल्का फुल्का बुखार हो, खांसी जुकाम थोड़ा बहुत रह जाए, या हाथ पैरों में वीकनेस वगैरह रह जाए, और 3 महीने तक अगर वो रहता है तो इसे हम पोस्ट कोविड के नाम से जानते हैं, इसे हम पोस्ट कोविड कहते हैं। अब अगर किसी पेशेंट को 3 महीने हो गए और पेशेंट पूरी तरीके से ठीक नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन को, यानी कि 3 महीने से ज़्यादा एक्सटेंड टाइम हो रहा है और पेशेंट ठीक नहीं हुआ है, तो ऐसे सिचुएशन को हम बोलते हैं लॉन्ग कोविड। अब ये 6 महीने तक जा सकता है, 9 महीने तक जा सकता है, 1 साल तक जा सकता है। बेसिकली 9 महीने या 6 महीने का जो फीवर होता है वो इतना जाता नहीं है, लेकिन एक टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है, वो लॉन्ग कोविड के नाम से जाना जाता है। और जो फीवर होता है पेशेंट का, वो 3 महीने के अंदर ज़्यादातर पेशेंट्स में ठीक हो जाता है। 30% ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको फीवर जो है 3 महीने तक रह सकता है, यानी 3 महीने के अंदर अंदर वो ठीक होने के चांसेस उनके पूरे होते हैं। लेकिन कई बार ऐसे होते हैं, एक आधो पेशेंट्स में ऐसा देखने को मिला है कि लॉन्ग कोविड हो जाता है उनकी, यानी रिकवरी जो है वो 3 महीने के बाद भी उनको रिकवरी फॉर्म में है, और वो रिकवर धीरे धीरे उनको सिम्टम्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, ये प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती है। अब ये जो मेन बुखार हमें आया था, फीवर जो हमें आया था, वो आया क्यों? देखिए, हमारे शरीर के अंदर कुछ स्पेशल केमिकल्स होते हैं, कुछ स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं जो ईश्वर ने, नेचर ने बनाई हुई है। अब वो क्यों बनाई हुई है? क्योंकि हर एक चीज़ को इंडिकेट करना वो हमारे बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि लिवर में अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो हम एल्कलाइन कराते हैं, या लिवर फंक्शन टेस्ट कराते हैं, SGOPT SGPT वगैरह है, ये टेस्ट कराते हैं, या जॉइंटिस वगैरह अगर किसी पेशेंट को होता है तो बिलिरुबिन वगैरह कराते हैं, जिससे पता लगता है कि लिवर में भी कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। मलेरिया होता है तो हम मलेरिया टेस्ट कराते हैं, टाइफॉइड होता है तो टाइफॉइड टेस्ट कराते हैं, एंटीजन टेस्ट कराते हैं, ठीक है, हार्ट के लिए हम अलग अलग प्रकार के टेस्ट कराते हैं। तो ये अलग अलग टेस्ट होते हैं, अलग अलग स्पेसिफिक जो केमिकल्स होते हैं शरीर के अंदर, वो बताते हैं कि ये इन्फेक्शन आया है या नहीं आया है, ये इन्फेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। तो इसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर एक IL-6 होता है, यानी इंटरलीकिन 6 होता है। अब ये इंटरलीकिन 6 क्या है और ये क्यों प्रॉब्लम करता है? जब भी हमारे बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन होता है, कई बार क्या होता है कि जैसे कोविड हो गया पेशेंट को, और कोविड ठीक होने के बाद में उसको इन्फ्लेमेशन होता रहता है, री इन्फ्लेमेशन होता है, और हम इसे समझते हैं कि री इन्फेक्शन हो रहा है। देखिए, री इन्फेक्शन अगर पेशेंट को होगा तो मतलब कि कोविड उस पेशेंट में दोबारा से आ गया, लेकिन ऐसा होता नहीं है, बेसिकली बहुत कम देखने को मिलता है। लेकिन अगर किसी पेशेंट में मान के चले री इन्फ्लेमेशन हो रहा है, तो उसे री इन्फेक्शन हमें नहीं समझ बैठना है, तो हमें री इन्फ्लेमेशन अगर हो रहा है, यानी शरीर में बार बार इन्फ्लेमेशन, सूजन कहीं हो रही है, तो ये जो इंटरलीकिन 6 है, ये हमें इंडिकेशन बार बार करेगा, ये हमें इंडिकेट करेगा बार बार कि कहीं ना कहीं बॉडी के अंदर स्वेलिंग हो रही है। अब ये कैसे इंडिकेट करेगा? ये क्या करेगा? जाकर के चुपचाप से जो हमारा ब्रेन होता है उसमें जाकर के बैठ जाएगा, और ब्रेन में जाके बैठने के बाद में ये वहाँ से अपना जो काम है वो चालू कर देता है। ये क्या करता है कि नॉर्मल टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ा देता है, 1 डिग्री जो फ़ारेनहाइट होता है उसे वो बढ़ा देता है। अब जब भी ये 1 डिग्री को टेम्परेचर को बढ़ाएगा तो हमें क्या होगा? हमें महसूस होगा कि हमें फीवर आ रहा है, जबकि वो फीवर है नहीं है। अगर फीवर एक्चुअल माना जाए तो 100.4 फ़ारेनहाइट होता है, 104 फ़ारेनहाइट, यानी कि 100.4 फ़ारेनहाइट। मैं 104 की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं
100.4 की बात कर रहा हूँ, अगर इससे ज़्यादा टेम्परेचर होता है या इतने इस पॉइंट पर अगर टेम्परेचर है तो इसको हम साइंटिफिकली फीवर मानते हैं अकॉर्डिंग टू बुक। लेकिन अभी क्या है कि 99 हुआ, 100 हुआ, तो इसे भी फीवर मान लिया जाता है, क्योंकि बेसिकली पेशेंट को प्रॉब्लम होने लगती है तो उसको फीवर की टैबलेट दे दी जाती है। अब अगर पेशेंट का 2 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है टेम्परेचर नहीं बढ़ा, तो 2 डिग्री अगर टेम्परेचर नहीं बढ़ा है यानी कि 98 से अगर 100 नहीं हुआ है तो इसको फीवर की कैटेगरी में नहीं रखेंगे, अगर 1 बढ़ा है तो। और अगर 2 बढ़ गया है, जैसे कि 98 से 100 हो गया है या 99 से 101 हो गया है, तो फिर आप इसे फीवर की कैटेगरी में रखेंगे, ठीक है। अब अगर किसी पेशेंट को मान के चलिए 100 था, 100 उसको टेम्परेचर था और उसको एक डिग्री बढ़ गया, तो फिर वो 101 हो गया, तो हम इसे फिर फीवर मानेंगे, राइट। लेकिन क्या होता है कि 98 से अगर डायरेक्ट 2 बढ़ रहा है तो वो फीवर की कैटेगरी में हो जाता है, और अगर 98 से 1 बढ़ रहा है, 1 डिग्री बढ़ रहा है, 99 हो रहा है, तो वो फीवर नहीं है, ठीक है। अब ये करता क्या है कि जब भी हमारे ब्रेन में जाएगा, अब ब्रेन में पहुंच गया, अब ये ब्रेन से क्या करता है, वहां से अपनी चाबी ताला खोलेगा और टेम्परेचर को बढ़ा जाएगा और चाबी ताला लगा के वापस भाग जाएगा। तो ये क्या करता है, अब इसे हमारी बॉडी ढूंढ रही है, हमारा शरीर उसे लगातार कहीं ना कहीं सर्च कर रहा है कि ये हुआ क्या और कहाँ से हुआ। तो इसको ठीक होने के लिए 3 महीने का वक्त लगता है, यानी कि इसे ढूंढ ढूंढ के सर्च अभियान चलता है बॉडी के अंदर, और इसे पकड़ के कहीं ना कहीं से और इसको दबा दिया जाता है, जिससे कि हमारी बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर है वो बार बार जो इसको बढ़ा के आ रहा था, ये बार बार जो इसको 2 घंटे में, हर 4 घंटे में, हर 6 घंटे में पहुँच जाता था ब्रेन के अंदर, ब्रेन बैरियर के द्वारा, वहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट करता था ब्रेन बैरियर के द्वारा भी, तो वहाँ पर ये इसको दबा देगी बॉडी और फिर ये बार बार जाएगा नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में आपको किसी भी प्रकार की मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको 100.4 फ़ारेनहाइट है या इससे ऊपर है तो आप तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाएं, कोई भी मेडिसिन नहीं लें, क्योंकि आपने वैक्सीनेशन करवाया हुआ है तो कोई भी मेडिसिन नहीं लें, केवल अपने डॉक्टर के पास जाएं, वो रिकमेंड करेंगे मेडिसिन की ज़रूरत है या नहीं है, सबसे बेस्ट तरीका ये है। दूसरा, इसके अंदर आप जो मेडिसिन है वो PCM बेसिकली वैक्सीनेशन के बाद में दिया जाता है, तो आप उसे अगर डॉक्टर ने रिकमेंड किया है तो आप ले सकते हैं। PCM, सिंपल PCM यानी सिंपल पैरासीटामोल, इसके साथ में कोई भी दूसरा कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए। अगर डॉक्टर ने आपको रिकमेंड किया है तो आप ले सकते हैं। अब इसमें बेसिकली किसी भी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। ये हो क्यों रहा है, क्योंकि बार बार इन्फ्लेमेशन हो रहा है शरीर में, तो ये हमारा interleukin-6 है, वो बार बार ब्रेन में पहुंच जाता है और परेशान करके भाग जाता है। अब दूसरा, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे या तो टेम्परेचर को लेना बंद कीजिएगा, क्योंकि बार बार आप टेम्परेचर लेंगे तो आपको गुस्सा आएगा, आप हो सकता है कि आप दीवार में टेम्परेचर मशीन को, थर्मामीटर को भी फोड़ दें, दे मारें, क्योंकि आप कहेंगे बार बार फीवर आ रहा है, बुखार आ रहा है, तो चिड़न होने लगती है, एंजाइटी से होने लगती है पेशेंट को, बहुत ज़्यादा उसको लगता है यार हो क्यों रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, वो बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है, और गुस्से में कुछ ना कुछ आप कर बैठते हैं। तो इसलिए आपको थर्मामीटर हटा के रख देना चाहिए, या उसको कम यूज करें, 2 दिन में 3 दिन में एक बार यूज करें, या फिर यूज करने की ज़रूरत ही नहीं है, बार बार आपको दिमाग को भी परेशान करने की ज़रूरत नहीं है चेक करने से। दूसरा, इसमें आप याद रख सकते हैं कि अगर किसी पेशेंट को ऐसी सिचुएशन है तो आप डॉक्टर से मिल सकते हैं, जिससे कि आपको प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट या फिर प्रॉपर तरीके से कोई भी मेडिसिन दिया जा सके। और अगर कोई पेशेंट को मान के चलिए इन्फेक्शन बार बार हो रहा है या बार बार उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ है, तब भी आप डॉक्टर से मिल सकते हैं, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। बेसिकली इसमें किसी भी प्रकार की मेडिसिन की ज़रूरत आपको नहीं पड़ती है, किसी भी मेडिसिन को आप नहीं लेंगे तो भी आप ठीक हो जाएंगे, लेकिन ये 2-3 महीने तक आपको प्रॉब्लम रह सकती है, ये कोई बड़ी बीमारी की वजह से नहीं होता है। इसे हम थर्मोरेगुलेटरी डिसफंक्शन बोला जाता है, और इसकी वजह से थर्मोरेगुलेटरी जो फीवर होता है इसे हम कहते हैं। तो थर्मोरेगुलेटरी डिसफंक्शन की वजह से जो फीवर आपको आ रहा है उसमें आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोरोना नहीं है तो फिर आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए, अगर किसी पेशेंट को कोरोना नहीं हुआ है और ऐसे अगर उस पेशेंट को हो रहा है तो डॉक्टर से एक बार मिल लेना चाहिए। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं इसी तरीके से और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।